हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर LYF। और फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको बता रहा था कि पहले मैंने इस वीडियो के पहले आपको दिखाया सास बहू का मंदिर, और अब हम यहां पर आ चुके हैं तेली के मंदिर के सामने। ये पीछे आपको जो मंदिर दिख रहा है, ये तेली का मंदिर है। और चलिए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं इसके, तो आपको इधर से जाना होगा। ये तेली के मंदिर के जाने का रास्ता है। अंदर है कोई? यहाँ पर अंदर कोई है? यहाँ पर आप देखेंगे कुछ जानकारी है तेली के मंदिर के बारे में। इस मंदिर का निर्माण प्रतिहार राजा मेहरभोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से हुआ था, इसलिए इस मंदिर को तेली का मंदिर कहते हैं। ग्वालियर किले पर विद्यमान समस्त स्मारकों में यह मंदिर सबसे ऊँचा है, जिसकी ऊँचाई लगभग 30 मीटर है। मंदिर की भवन योजना में गर्भगृह तथा अंतराल प्रमुख हैं, तथा इसमें प्रवेश हेतु पूर्व की ओर सीढ़ियां हैं। मंदिर की प्रमुख विशेषता इसकी गज प्रष्टाकार है छत है, जो कि द्रविड़ शैली में निर्मित है एवं उत्तर भारत में विरले ही देखने को मिलती है। मंदिर की साज सज्जा विभिन्न उत्तर भारतीय मंदिरों की साज सज्जा के समान है, एवं इसकी बाहरी दीवारें विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला से सुसज्जित है। अतः इस मंदिर में उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यद्यपि मंदिर से किसी अभिलेख की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी वास्तुकला की दृष्टि से मंदिर 9वीं सदी ईस्वी का प्रतीत होता है। मंदिर के पूर्वी भाग में निर्मित दो मंडपिकाएं एवं प्रवेश द्वार सन 1881 में अंग्रेजों के शासनकाल में मेजर कीस द्वारा बनवाए गए थे। तो ये फ्रेंड्स एक जानकारी है। यहाँ पर सेम उसी तरह के कुछ सूचना बोर्ड लगाए गए हैं, और यहाँ पर आवश्यक सूचना है, और यहाँ पर आपको सेम अंग्रेजी मिल जाएगा। ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ इंग्लिश में लिखा गया है, तो द मान मंदिर पैलेस तेली का मंदिर एंड टू सास बहू टेम्पल्स इन दिस फोर्ट्रेस वी आर रेस्क्यूड फ्रॉम निगलेक्ट एंड रिपेयर्ड बाई ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम गवर्नमेंट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्यूरेटर ऑफ एंशियंट मोन्यूमेंट्स इन इंडिया। द कोस्ट वॉज मेड बाई एन इम्पेरियल ग्रांट ऑफ ₹7,625 सप्लीमेंटेड बाई ए कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹4,000 फ्रॉम हिज हाइनेस द महाराजा शिंदिया द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेजर कीथ वॉज इंगेज्ड ऑन द वर्क बिटवीन 1881 एंड 1883। चलते हैं अंदर, चलते हैं इस मंदिर में अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस मंदिर की विशेषता है कि ऊपर की जो इसकी छत है वो गज प्रष्टाकार है, यानी कि एक गज के समान जैसी पीठ होती है वैसी है, और ये सबसे ऊंचा मंदिर है। अंदर कुछ खास है, चल के देखते हैं। सेम जैसा मैदान सभी में है वैसा ही यहाँ पर भी है। फूल पत्ती तोड़ना सख्त मना है, बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे। पहले हम आपको इसके चारों तरफ घुमा देते हैं, फिर इसके बाद अंदर जाएंगे। ये काफ़ी ऊंचा मंदिर आपको दिख रहा है, ये देखिए। और इस तरह से इसकी जो दीवारें हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह की कलाकृति को उकेरा गया है, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह के स्तंभ बनाए गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ऊंचे स्तंभ हैं, और ये काफ़ी ऊंचा दिखता है। ये फ्रेंड्स तेली का मंदिर है, और ये हम यहाँ पर आ चुके हैं तेली के मंदिर के जस्ट पीछे। और पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सामने है इस मंदिर के, और हम पीछे हैं तो यहाँ पर काफ़ी ठंडक है। और ये आप पीछे से इस तरह का कुछ दृश्य आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा सपाट ये जो मंदिर है बिल्कुल सीधा है, और ऊपर जाके थोड़ा अंदर की तरफ गया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जिस तरह के मंदिर में ये आपको एक लोहे की प्लेट मिलती है, सेम
इस मंदिर में भी है और ये आकाशी बिजली से मंदिरों की सुरक्षा करती है इसलिए लगाई जाती है। और ये अब हम आ गए हैं साइड में, ये इस तरह का चित्र है। यहाँ पर आप नीचे देखें तो कुछ पत्थर यहाँ से निकल रहे हैं। ये इस तरह से इस तरफ ये साइड का सम साइड से इस वीडियो को ले रहे हैं और साइड से आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ये ऊपर से आपको ये सबसे ऊपरी भाग है जो इस तरह का आपको दिख रहा है और इस तरह से आप नीचे आएंगे तो इस तरह का कुछ वास्तुकला है, स्थापत्य कला। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इस मंदिर के अंदर, हम आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं ये कैसा है और अंदर मंदिर में क्या है। जैसा आपने पहले वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था मंदिर के बाहर की, इस मंदिर से कोई मूर्ति या कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी यह स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीचों बीच पानी जैसा कुछ दिख रहा है, यानी कि हल्का टपकता है, इसकी वजह से ये धीरे धीरे खराब भी हो रहा है। इसमें फ्रेंड्स अंदर कुछ नहीं है, बस इस तरह का थोड़ा सा आंगन है और इतना ही है। चारों तरफ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा, यहाँ पर पक्षियों का बसेरा है और बस कुछ नहीं है, अंदर इतना ही है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इसके बाहर। और ये तेरी का मंदिर है, अन्य जो मंदिर हैं वो तो काफ़ी अच्छे मंदिर हैं लेकिन ये जो मंदिर है तेली का मंदिर बाहर से ही बस देखने में अच्छा लगता है, अंदर तो इसमें कुछ खास है नहीं। सामने ही फ्रेंड्स है बिल्कुल रास्ता है बाहर निकलने का, बीच में इस तरह का ये जो गोलाकृति का एक चबूतरा छोटा सा बना है। तो ये है फ्रेंड्स आपका तेली का मंदिर और ये हमने आपको दिखा दिया है कि कैसा दिखता है, बस इतना ही मंदिर है, कुछ खास इसमें अंदर है नहीं। चलते हैं इसके बाहर। तो बस फिर फ्रेंड्स यही एक जो ग्वालियर फोर्ट का जो मंदिर है, ग्वालियर फोर्ट में वो तीन मंदिर हैं, एक मानसिंह महल हो गया और आपका सास बहू का मंदिर हो गया और ये आपका हो गया तेली का मंदिर। तो हमने फ्रेंड्स तीनों मंदिर आपको दिखा दिए हैं जिसमें लास्ट वाला मंदिर आपको तेली का मंदिर था। और इन सभी की जो टिकट है वो आपको मानसिंह पैलेस के यहाँ पर ही मिलती है, आपको सीधे इस मंदिर में नहीं आना है क्योंकि यहाँ पर आपको टिकट नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये मंदिर आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरह की वीडियोज हम लगातार लेकर आते रहते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ लोगों के यहाँ पर निवास भी हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारी वर्ग वगैरह यहाँ पर शायद रहते हैं या फिर यहाँ का ही कोई स्टाफ होगा, जो किले का जो स्टाफ है उनमें से बहुत से लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है यहाँ पर। आप यहाँ पर ख़ास तौर पर सिख लोग आपको मिल जाएंगे और जो पुरातत्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वो भी यहाँ पर निवास करते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में फैला है और बहुत अच्छा लगता है और पूरा यहाँ पर आपको जो रोड मिल जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बावड़ी है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है यहाँ पर ही राजा मानसिंह आकर नहाते थे और पूजा भी करते थे। यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कमल के फूल हैं वो बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, पुरैन लगी है और वर्तमान में ये जो पानी है काफ़ी वैसा गंदा टाइप का है क्योंकि पुरैन यहाँ पर लग चुकी है तो पानी गंदा हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी जगह है देखने के लिए, आप वहाँ से सामने से आके देख सकते हैं। लोग यहाँ पर दाने वगैरह डाल देते हैं पक्षियों के लिए तो बहुत सारे पक्षी भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कुछ लोग आप देखते हैं कि मछलियों के लिए कुछ दाना डाल रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर मछलियाँ भी हैं, हालांकि यहाँ पर मछलियों को शायद पकड़ने नहीं देते हैं और ख़ासकर ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है।
लेकिन फ्रेंड्स इतनी ही जानकारी है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। Thank you.